हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रेट इंडियन रसोई। और आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल वनीला स्पॉन्ज केक, वो भी सिर्फ एक अंडे के साथ। तो वेक्ट मिक्सचर के लिए मैंने लिया है आधा कप चीनी, आधा कप दूध, एक चौथाई कप तेल, एक अंडा और तकरीबन एक टीस्पून वनीला एसेंस। तो हम एक बर्तन में एक अंडा डालेंगे। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैंने देखा है कि लोग 2-3-4 अंडों का इस्तेमाल करते हैं, पर ये रेसिपी में हमने सिर्फ एक अंडे का इस्तेमाल किया है और हमारा केक बहुत अच्छा बना है। और उसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कैस्टर शुगर है तो आप कैस्टर शुगर का इस्तेमाल कीजिए। हमारी जो सादी चीनी है जो पिसी हुई नहीं होती है, उसको अंडे में मिलने में, घुलने में, फेंटने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे हम उसको पीस लेंगे मिक्सी में से, तो हमें मेहनत कम लगेगी, टाइम कम लगेगा और हम चीनी को और अंडे को अच्छे से फेंटेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है इलेक्ट्रिक बीटर, इसलिए मैंने इस रेसिपी में हमारी जो विस्क होती है उसका इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रिक बीटर की कंपैरिजन में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, पर रिज़ल्ट तो सेम ही रहेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ मैं इसे एक ही डायरेक्शन में फेंट रही हूँ, इसे हम उल्टा नहीं फेंटेंगे, जिससे हमारा केक स्पंजी बनेगा, एयरी बनेगा। और आप देख सकते हो मैंने किस प्रकार का बर्तन यूज़ किया है। इसका बेस छोटा नहीं है, फैला हुआ बेस है, जिससे आप अच्छे से फेंट पाओगे। तो आपको फेंटने को तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे। अभी तो ये थोड़ा पीला पीला लग रहा है, बट 5-7 मिनट में ये सफ़ेद हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए 5-7 मिनट के बाद मेरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, सफ़ेद हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप तेल। और इसमें हम अभी दूध भी डाल देंगे। दूध के बाद यहाँ हम डालेंगे तकरीबन एक टीस्पून वनीला एसेंस। और इसे अच्छे से फेंटेंगे या फिर मिक्स करेंगे। और ये हमारा वेट मिक्सचर तैयार है। अब इसमें हम ड्राई मिक्सचर डालेंगे। तो ड्राई मिक्सचर के लिए मैंने लिया है एक कप ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स में इन सारे ड्राई मिक्सचर को छान के डालेंगे। बहुत सारे लोग मैदे को छानते नहीं हैं। मैदे को छानने से होगा क्या कि हमारा मैदा खुला खुला रहेगा और केक स्पंजी बनेगा, एयरी बनेगा। तो इसलिए मैदे को छानना ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि आप ये स्टेप को बिल्कुल भी मिस ना करें। और सबसे पहले इन चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करें और फिर इसे छान लें। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, उल्टा नहीं मिक्स करेंगे। और ध्यान रखिए कि आपके मिक्सर में कोई गुठलियाँ ना हो, लम्प्स ना हो और आपका मिक्सर एकदम स्मूथ रहे। आप देख सकते हो अभी मेरे मिक्सर में कोई गुठलियाँ नहीं है। और आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट होती है एक बेकरी स्टाइल केक बनाने के लिए।
तो मैंने पहले ही एक 6 इंच का बेकिंग टिन प्रिपेयर कर लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल को अच्छे से ग्रीस करके उस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर है, आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है बटर पेपर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप थोड़ा सा तेल लगाइए, मैदे को डस्ट कीजिए और आपका काम हो जाएगा। और उसमें हम डालेंगे हमारा केक का बैटर। और केक को बेक करने से पहले आप अच्छे से इसको 3 से 4 बार टैप कर लीजिए, जिससे इसकी सारी जो एयर बबल्स है वो निकल जाएंगे और आपका केक स्पंजी बनेगा। तो इस बार हम केक बनाएंगे कढ़ाई में। तो कढ़ाई को मैंने अच्छे से 10 मिनट हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। एज़ यूजुअल मैंने कढ़ाई में बेस में थोड़ा सा नमक डाल दिया था और उसमें मैं डाल दी थी एक प्लेट। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड का इस्तेमाल कीजिए, मैंने यहाँ पे प्लेट का इस्तेमाल किया है। और हम रखेंगे हमारा केक और इसको तकरीबन 25 से 35 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे बेक करेंगे। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद ये देखिए हमारा केक फूल चुका है। और अब हम इसमें टूथपिक डालेंगे, से चेक करेंगे हमारी टूथपिक क्लीन निकली है, मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। और मैंने मेरे केक को लेयर्स में काट लिया था क्योंकि इसे बाद में व्हिप्ड क्रीम से भी सजाना है। तो आप देख सकते हो मेरा केक कितना ज़्यादा स्पंजी बना है, बिल्कुल डेंस नहीं है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और एक बार तो ये रेसिपी बना के ही देखना।